खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपने कार्यों को मीडिया के सामने रखा। राजधानी भोपाल के निजी होटल में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एनआरएचएम के एमडी निशांत बरबड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार की योजनाएं और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से जो निर्देश मिले हैं उसके आधार पर हम जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। हम विभागीय कामों को हर 3 महीनों में सबके सामने रखेंगे, जिसके लिए अनौपचारिक रूप से समय समय पर मीडिया से मुखातिब होते रहेंगे। बरबड़े ने कहा कि हमने पिछले महीने में कुछ 108 एम्बुलेंस मिली हैं, जिनको उनके काम पर लगाया गया है। आने वाले 6 दिनों में लगभग 150 और एम्बुलेंस मिलेंगी। वहीं मीजल्स और रुबेला के टीकाकरण अभियान में हमने लगभग 90% काम कर लिया है, जो केवल 1 महीने का ही कार्य रह गया है। इसके अलावा मैदानी स्तर की सेवाओं को और भी बेहतर करने का हमने सोचा है। हम सेक्टर लेवल पर जाकर काम करने जा रहे हैं। अच्छी सेवाएं देने वालों के लिए स्कीम पर स्वास्थ्य मंत्री और हमने बैठक में चर्चा की है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य मंत्री इसकी घोषणा भी करेंगे, जिससे अच्छी सेवाएं देने वालों का मनोबल भी बढ़ेगा और कामकाज में तेजी आएगी। भारत सरकार ने भी हमारी कुछ बातों को मान लिया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन सब योजनाओं को हम लोग मैदानी स्तर पे वे बेहतर रूप से क्रियान्वित हैं, इसके लिए हम लोग लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं, लगातार इसको फॉलोअप करवा रहे हैं। अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के करकमलों से हम लोगों ने जो नवीन 108 हमें प्राप्त हुई थी उनको हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई। आने वाले 6 दिनों में हमको लगभग 150 और इस प्रकार की एम्बुलेंसेज टर्न की बेसिस पे मिलेंगी, जिससे हमारी 108 की जो सर्विसेज हैं उसको हम और बेहतर कर सकें। इसके साथ साथ में जो हमारे यहाँ पर मीजल्स रुबेला कैंपेन हुआ था, आज हम 91% के आसपास पहुँच गए हैं। लगभग सवा माह के पीरियड में मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जो कि बड़ा राज्य है और जो कि ज्योग्राफिकली काफ़ी स्प्रेड आउट है, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, इन सब विभागों के और कलेक्टरों के मार्गदर्शन पे, उनके लीडरशिप के माध्यम से हम लोगों ने यह मुकाम हासिल किया है। इस पूरे के पूरे कैंपेन में मीडिया ने भी हमें बहुत बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया है। मैं ना सिर्फ धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अभी भी इसमें 5% 6% इजाफे की गुंजाइश है, जिसको हम लोगों ने आगामी 6 तारीख तक के एक्सटेंड करने के लिए रूप में देखा है। तो आप सभी से मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि मीजल्स रुबेला का टीका हर बच्चे को लगना है जिसकी उम्र 18 साल से नीचे का है। यदि नहीं लगा है तो ये शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। तीसरा, मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में जो सोचा है मैदानी स्तर की सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए, उसमें अनुश्रवण और मूल्यांकन का काम हम लोगों ने और बेहतर करने के लिए सोचा है, जिसमें सेक्टर लेवल अप्रोच पे हम जाने की बात कर रहे हैं। यानी सेक्टर लेवल पे जो समस्याएं हैं उसका निराकरण सेक्टर लेवल पे हुए, ना कि वो जिला स्तर पे या फिर राज्य स्तर पे। तो उसको भी हम लोग बहुत एक फ्रेमवर्क के रूप में, सपोर्टिव सुपरविजन के रूप में टेकअप कर रहे हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने जो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के जो काम थे उसके लिए भी जो हमारी स्कीम्स थी, उन स्कीम्स की मीटिंग की हुई है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। आगामी 2-4 दिनों में इनको ना सिर्फ अनाउंस किया जाएगा, अच्छा काम करने वाले जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे स्टाफ हैं, उनका मनोबल भी बढ़ेगा और साथ साथ में बाकी जो हमारे चिकित्सक स्टाफ हैं या जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए भी रोल मॉडल के रूप में सामने आएंगे। इन अवार्ड्स के मार्फत से हमें हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं को, मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर करने में आसानी मिलती है और गति भी मिलती है। भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष के लिए जो हमको हमारा जो PIP था वो मंजूर कर लिया गया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले हमको स्वास्थ्य विभाग की जो आवश्यक सेवाएं होती हैं उन सेवाओं को की पूर्ति करने के लिए जो भी हमें कार्रवाई करनी होती है वो युद्ध स्तर पे चल रही हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मीडिया के सहयोग से, जनता के सहयोग से और अधिकारियों के सकारात्मक सुपरविजन, अनुश्रवण और सभी के पॉजिटिव फीडबैक के इस पूरे एटमॉस्फेयर में स्वास्थ्य विभाग नई चुनौतियों को आसानी से पूरा कर पाएगा। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। इस प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय।